जाम दे मैं भी हूँ तू भी है आमने सामने दिल को बहका दिया इश्क के जाम ने मुसलसल नजर बरसती रही हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रोहिणी आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पे। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला सिंपल मेकअप जो बहुत ही ज़्यादा इजी है एंड बहुत ही ज़्यादा कम प्रोडक्ट्स में मैंने बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने नीविया की क्रीम अपने पूरे फेस पे एज अ मॉइस्चराइज़र लगा दिया है। एंड यस, इसको जब तक मैं ब्लेंड कर रही हूँ तब तक मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरा नाम है रोहिणी और मैं इसी तरह के फैशन, लाइफस्टाइल और ब्यूटी के वीडियोस डालती रहती हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो अब मैं आपके सामने यहाँ पर लगाने वाली हूँ एलोवेरा जेल एज अ प्राइमर। आज मैं एलोवेरा जेल यूज़ करने वाली हूँ बिकॉज बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल एंड बहुत ही नेचुरल प्रोडक्ट है एंड बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। एलोवेरा जेल से आपके जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है एंड इट गिव्स यू अ हाइड्रेटिंग टेक्सचर जो बहुत अच्छा आपके स्किन को रखता है। तो ये एलोवेरा जेल मैंने एज अ प्राइमर एंड प्लस हाइड्रेटिंग नेचुरल एक प्रोडक्ट अपने चेहरे पर लगाया है जिससे मेरा जो मेकअप है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा एंड साथ ही साथ में बहुत अच्छा इफेक्ट भी देगा, बिल्कुल भी केकी नहीं होगा। आज मैं यहाँ पे नया प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ, दैट इज़ NYBAKE का बीबी क्रीम विच इज़ इन द शेड 2। तो एक्चुअली ये एक बीबी क्रीम है जो जनरली बहुत लोगों ने अब तक किसी ने यूज़ नहीं किया है, लाइक मैंने बहुत बार यूज़ करते हुए देखा है बट स्टिल इतना नहीं, बट मैंने सोचा चलो इसको स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं किस तरह से ये यूज़ होती है। तो एक्चुअली इसने मुझे बहुत अच्छा इफेक्ट दिया एंड लिटरली ये थोड़ा सा लाइक मैंने एक लाइट शेड में लिया है अपने लिए बिकॉज बाद में जब आपको पता है फाउंडेशन या फिर कोई भी बीबी क्रीम अगर ऑक्सीडाइज होती है तो वो आपकी स्किन के साथ मैच होनी चाहिए, इसलिए हमेशा वो एक शेड लाइटर ले तो ही वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो यहाँ पे मैं अपना मिरर ले रही हूँ, मिरर की हेल्प से मैं अपने पूरे फेस के ऊपर जो बीबी क्रीम है मैंने जस्ट थोड़ा सा अप्लाई किया है तो मैं इसको ब्लेंड अप कर ले रही हूँ। नेक को कभी मत भूलिएगा, नेक पे हमेशा अप्लाई करे बिना मत रहिएगा बिकॉज इससे क्या होगा आपका सारा जो स्किन है आपका जो सारा कलरेशन है वो एकदम इवन टोन लगेगा। आफ्टरवर्ड्स ये लैक्मे का सनस्क्रीन कॉम्पैक्ट पाउडर है जो मैंने यूज़ किया है फॉर सेटिंग अप द बीबी क्रीम एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ बिकॉज मैं इसको बाद में डस्ट ऑफ करने वाली हूँ। थोड़ा सा इफेक्ट एंड बेस अच्छा बनने के लिए मैंने इसे थोड़ा ज़्यादा लेवल पे लगाया है। थोड़ा रुक जाइए, आपको दिख जाएगा कि मैंने इसे बाद में क्या किया है, किस तरह से इसे सेटअप किया है। तो फेस अभी बहुत ज़्यादा भूतनी की तरह वाइट लग रहा है बट आई विल डू इट, इसको मैं ढंग से करूँगी। जब आप किसी भी बीबी क्रीम को यूज़ करते हैं तो वो अगर ड्राई होती है तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप कॉम्पैक्ट ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जो मॉइस्चराइज़र एंड एलोवेरा यूज़ किया था वो थोड़ा सा ऑयली टेक्सचर की वजह से थोड़ी मेरी स्किन ऑयली हो गई थी, इसलिए मैंने ज़रा ज़्यादा कॉम्पैक्ट यूज़ किया है एंड इवन टोन करने के लिए मैंने इसको एक साथ बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगाया है। बट आफ्टरवर्ड्स आप देख सकते हैं मैं हाथों की ही मदद से इसको डस्ट ऑफ कर रही हूँ एंड डस्ट ऑफ करने के बाद आप देख सकते हैं ये पूरा ऑलमोस्ट इवन टोन हो चुका है, जो भी ज़्यादा प्रोडक्ट था वो सब कुछ डस्ट ऑफ हो चुका है। नाउ यू कैन सी दैट माई फेस इज़ नॉर्मली क्लियर विद एवरीथिंग। अब मैं मेबलिन कलोसल काजल जो है वो यूज़ करने वाली हूँ। नाउ अभी मैं इसे यूज़ करूँगी ऑन द लोअर लैश लाइन एंड लोअर वाटर लाइन सॉरी, और वहाँ पे मैं इसे एज अ ब्लैक काजल यूज़ करने वाली हूँ बिकॉज इट इज़ लाइक बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है काजल एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड दिस इज़ माई फेवरेट काजल बिकॉज ये स्मज प्रूफ भी है, साथ साथ में स्मज प्रूफ की वजह से बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। सो इसको मैं अपर वाटर लाइन एंड लोअर वाटर लाइन दोनों में लगाने वाली हूँ एंड बहुत अच्छे से ही आपको इफेक्ट भी देगा बिकॉज आज हम लोग आज कुछ ज़्यादा बाकी के प्रोडक्ट्स हम लोग आई मेकअप हम लोग नहीं करने वाले हैं तो हमको आई को ज़्यादा भरा दिखाने के लिए इसे थोड़ा सा मोटा एंड थोड़ा सा लाइक ज़रा ज़्यादा इफेक्टिव में लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपना काजल अप्लाई कर लिया है। नाउ आई विल टेक द ये आई थिंक लाइनर क्या हुआ, मेरा काजल लगा नहीं शायद इसलिए मैं रुक गई थी। हाँ अभी मैं आईब्रोज फिल कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ काजल ओनली बिकॉज यहाँ पे अब मैंने आज बहुत मिनिमल प्रोडक्ट्स करके यूज़ किया है ये मेकअप
तो मैं विद द हेल्प ऑफ काजल पेंसिल ही अपने आईब्रोज को फिलअप कर रही हूँ. सो बस जहाँ पे गैप्स है वो उसको फिलअप कर रही हूँ एंड कुछ भी ज़्यादा हैवी ना दिखे इसलिए इसको मैंने ज़्यादा इसको अप्लाई किया ही नहीं है, बहुत लीनियंटली थोड़ा सा ही अप्लाई किया है. सो इसको बाद में जो मेरे पास स्पंज था या फिर जो पफ था उसकी मदद से मैंने इसको फैला दिया एंड इट इज़ लाइक ओके हो गया ये, बिकॉज ज़्यादा फिलअप करने के लिए मेरे आईब्रोज इतने नहीं हैं जब जिसको मैं ज़्यादा लाइक गैप नहीं है तो आई कैन डू इट लाइक दिस. नाउ अभी मैं ब्लू हेवन का ग्रे कलर का लाइनर लेने वाली हूँ. सो एज वी आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ, आज हम लोग कोई भी आई मेकअप नहीं करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी अपना ग्रे आई लाइनर जो एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड मेरे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ मैंने इसको मैचअप करने के लिए, टीम अप करने के लिए मैंने इस आई लाइनर को आज चूज़ किया, बिकॉज ग्रे इफेक्ट जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में है उसी को टीम अप करने के लिए, उसी को ज़्यादा हाई अप करने के लिए मैंने इस लाइनर का आज यूज़ किया है. एंड आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर कलर एक्चुअली ग्रे मैच हो रहा है अपने इयररिंग्स के साथ, तो इट इज़ लुकिंग एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल. एंड इसको हमें एज अ आई मेकअप हमारा नहीं था तो मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा बोल्ड लगाया है, जैसे हम जब आँखें खोलेंगे तो इसको ये हमारे पूरे आईज़ को कवर कर देगा, तो थोड़ा सा बोल्ड लाइनर मैंने यहाँ पर लगाया है. After this, I will apply mascara. हाँ, mascara is from also Blue Heaven. Blue Heaven से ही mascara है, बहुत ही अच्छा mascara है, this is my favorite one. And ये volume भी बहुत अच्छा देता है, when you will apply 3-5 coats, बहुत अच्छा दे देता है, like normal makeups के लिए बहुत अच्छा है. And as हमारे कोई falsies नहीं है आज, तो हम लोग इसे इस तरह से use करेंगे, 3-5 coats will be better. इतना ही कोट्स होगा तो लाइक हमारा जो मेकअप है, आई मेकअप है ही नहीं, लाइनर जो है वो दिख के आएगा, तो ज़्यादा बोल्ड नहीं करना है. आफ्टरवर्ड्स इज द लिपस्टिक आई टेक फ्रॉम रनवे यस, एंड इसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं इन टू डिफरेंट वेज. तो यस चलो लगा लेते हैं अभी हम लोग लिपस्टिक. सो नाउ अभी टाइम है लिपस्टिक का, तो यहाँ पे हमें लगाना है लिपस्टिक बट नॉट ऑन द लिप्स, यहाँ पे हम लोग लिप्स पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं अपने गालों पे. यस एज इन द काइंड ऑफ द ब्लश हमने नहीं यूज़ किया है अभी तक, तो ग्रीन ड्रेस है, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है, थोड़ा सा ब्लश तो होना ही चाहिए, थोड़ा सा रेडिश लुक दिखने के लिए. थोड़ा जो ये लिपस्टिक है रेड लिपस्टिक है एक्चुअली, सो ये इफेक्ट दिखने के लिए, थोड़ा मेकअप अच्छा दिखने के लिए हमने थोड़ा सा ब्लश लिया है एंड विद द हेल्प ऑफ लिपस्टिक ही आज हम लोग ब्लश लगाएंगे. सो आई होप आपको पता लग रहा होगा कि लाइटली लगाया है, ज़्यादा मैंने हेवी नहीं लगाया है, सो थोड़ा बहुत दिखने के लिए ही उतना ही काफ़ी है, बट इट इज़ ओके, दिस मच इज़ ओके. नाउ अब मैं लगा लेती हूँ लिपस्टिक, बिकॉज इट्स अ लिपस्टिक टाइम एंड द मेकअप इज़ ओवर एंड अभी आपको दिख जाएगा बहुत ही अच्छा सा लुक एंड द लुक इज़ कम्प्लीट. हर सफर में तेरी कमी, दिल तेरा ही तो है मेरे हद की जमी. हम दर्द तू दर्द से मेरे वाकिफ नहीं, करीब आ देख तू आ.